A very good evening to all who will join me and all who are sitting here. And we again, once again, हम लोग इकट्ठा होते हैं यीशु मसीह को महिमा देने के लिए, उनके वचन को सीखने के लिए. और आप लोग सीख रहे हैं, मैं देखता हूँ, और बड़ी खुशी होती है कि आप लोग बढ़ रहे हैं उसमें. और जो मेरे को ज्वाइन करेंगे लोग, जो आपके कमेंट्स आते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ. You write, you love my messages and you find me a unique kind of talker. Oh, I appreciate all that and I am so glad कि जो मेरे को मिले नहीं लोग, उन्होंने बोला है कि आपका मैसेज सुन के हमारा जिंदगी चेंज हुआ. और वो मैसेज मेरा नहीं है, प्रभु येसु का है और बाइबल का है. तो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ जो ज्वाइन करते हैं मेरे को और अप्रिशिएट करते हैं जो मैं बोलता हूँ. तो आज भी हम साथ में जुड़ते हैं, जुड़ना शुरू करिए मेरे साथ और प्रभु का वचन को इंजॉय करते हैं. और प्रभु के लिए एक जोरदार बहुत अच्छे. अरे बहुत सारे लोग आ गए फटाफट, वेरी गुड. जितेंद्र तिवारी जी, आप मेरे टॉप फैन हैं, गॉड ब्लेस यू. मरीशा, यू आर माय टॉप फैन. पप्पू कलाजी जी, यू आर टॉप फैन, प्रेज गॉड. नायर जी, टॉप फैन, क्या बात है भैया, आप सबका शुक्रिया. मरीशा कम जॉइन अस, टॉप फैन, गॉड ब्लेस. सिंधु राकेश, जितेंद्र तिवारी जी, सबका स्वागत है, भरपूर स्वागत है. Please share my messages. You are free to share my messages. My church should share my messages. People, other people all over the world are sharing much more than me. What? क्या हो गया आपको? खुद ही खाने का पेड़ा, दूसरों को नहीं देने का? सबको देने का ना? Word of God. Oh, you are blessing me forever, Jitendra Tiwari ji. God bless you also abundantly, Jitendra Tiwari ji. प्रभु जब इस धरती पे चलते थे तो वो बोलते थे, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड. ये रिपेंट को बोलेंगे पश्चाताप कर, और तेरा ये किंगडम ऑफ गॉड जो है मेरे तेरे बिल्कुल बाजू में. बॉम्बे में कुछ भी पूछो पता बाजू में, पता चलता 3 किलोमीटर के बाद भी नहीं आया. और ये बाजू में द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड. पर ये किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड के हमारे को खुशी देने के लिए या उदासी देने के लिए? खुशी देने के लिए ना, गुड लाइफ देने के लिए ना. ऐसा नहीं अप डाउन नहीं आते, पर हमारे को कंडेमनेशन में रखने के लिए तो नहीं है ना, निकालने के लिए. गॉड हैज स्पोकन टू मी इन द लास्ट फ्यू इयर्स how little emphasis we give to happiness, how little emphasis we give to happiness. He says there are scriptures which bring you to happiness. The Bible brings you to a state of happiness and joy, because the joy of the Lord is our strength. Sorrow is not our strength. खुशी जो है प्रभु की हमारी ताकत है, उदासी हमारी ताकत नहीं है. तो ये पार्लम में चाहता हूं कि हर आदमी, हर औरत, और जो मुझे देख रहे हैं जहां से भी आप देख रहे हैं, कि आप ये रूहानी खुशी की तरफ जरूर जाएं. अब कल फास्टिंग होगी, वो इसलिए होगी कि आप लोग उदास हो. फास्टिंग इसलिए होगी, रिपेंटेंस इसलिए होगी कि आपका जो चीज बुरी है वो आपकी जिंदगी से निकल जाए और आप लोग खुश हो. मैं ऐसा बोल दूं कि
आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जन्म में जाएंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ ये हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करेंगे आपकी टांग टूट जाएगी, आमेन। बोल रहे सब हो जाए। मैं बोलता हूं कि प्रभु आपको बचा के रखेगा, प्रभु आपको रिपेंटेंस पे लाएगा, प्रभु आपको खुश रखेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा, आमेन। ये है बाइबल, ये है बाइबल। बाइबल आदमी को खुशी देने के लिए आई, दुखों से निकालने के लिए आई। दुख के बारे में कभी दुख का भी टाइम होता है, कभी रोने का भी टाइम होता है, रिपेंटेंस का भी टाइम होता है, पर वो सब चीज किस चीज को लीड करती है? खुशी की तरफ। ये कभी मत भूलिए, नहीं तो दुख क्या है? ये स्टेज को भी चेक कराना भाई बाद में, बैठ जा मनु। मनु के पास मोटरसाइकिल आ गया, मनु गायब हो गया। परुल कैसी हो बेटा? ठीक हो? बड़े पापा अच्छे हैं बेटा, एकदम अच्छा हूं मैं। हिंदू राकेश, हैप्पीनेस कॉल्ड जीसस, करेक्ट, आमेन। नीलू नायर, आमेन, बिग आमेन। रानी भट्टी, प्रेज द लॉर्ड। मोनिका वाघ जी, प्रेज द लॉर्ड। ऑगस्टिन दास जी, प्रेज द लॉर्ड। द ऑलमाइटी किंग ऑफ क्रिएशन, द लॉर्ड जीसस। यस यस ऑगस्टिन, ओल्ड फ्रेंड, आई होप ऑल इज वेल विद यू। भावना सिजपाल जी, राकेश जी, राहुल कलवान जी, पहलवान जी आपको बुलाऊंगा आज, राहुल पहलवान जी, सबका स्वागत है सब। अमृत कुमार चोपड़ा जी, जसवीर सिंह जी, भावना सेगल जी, आप जैसे जैसे मैसेज सुनते हैं अरे कभी कभी गलत ख्याल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इंदु राकेश जी नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। गलत ख्याल आते हैं ना दिमाग में, तो प्रभु क्या इसलिए है कि और गलत ख्याल बढ़ाए आपके? नहीं ना, मैं किसी से बात करता आ रहा था, सर्दी का क्या मजा है क्योंकि गर्मी होती है कि नहीं? सुख का क्या मजा है क्योंकि दुख देखने को मिलता है। अगर सुखी सुख होता, सभी सुखी होते, दुख का मालूम नहीं होता, तो सुख की अहमियत ना होती। ये जो फ्री विल हमारे को दिया गया है, ये हमें सब चीजें एक्सपीरियंस कराएगा, ये हमारे को सब चीजें एक्सपीरियंस कराएगा और एंड में हमें विजयी बनाएगा। ये तय है, नहीं तो कोई दुख नहीं है, नहीं तो कोई दुख नहीं है। प्रभु से बड़ा विजेता कोई नहीं है जिसने मौत को खुद हरा दिया। प्रभु से वो बड़ा कोई विजेता नहीं है जिसने मौत को हरा दिया। तो आप भी खुश रहिए, बने रहिए और हर वक्त जॉय ऑफ द लॉर्ड की तरफ जाइए सही तरीके से। रिपेंटेंस मेरे दिल में शायद रोज ही आती है, पर उसके बाद मैं खुश हो जाता हूं, है कि नहीं? नाइस एमोजी इंदु राकेश, वेरी क्यूट। अतुल जनवीर जी, दीपिका गुंडवाल जी, प्रेज द लॉर्ड। ईशा मेहता जी, वेन बाबरा जी, परुल जी, इंदु जी, सबका स्वागत है। परुल को ब्लेस कीजिए प्रभु, इसके काम को ब्लेस कीजिए। जेम्स 4:7 कौन पढ़ेगा? आज वो तारा का शूट है और वो कौन पढ़ेगा?
नहीं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना। हाँ पढ़ी पढ़ी संगीता कम इन द सीट देयर जी पढ़िए। आप जरूर बताता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेम्स 4:7 प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पुस्तक से 4:7 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखिए जैसे बाइबल में लिखा ना वैसे ही करना चाहिए। पीपल बेसिकली अप्रिशिएट माय मैसेजेस दैट आई डोंट आई गिव इट टू देम एज व्हाट इट मींस एंड व्हाट इज द रेवलेशन ऑफ इट। Keeping things simple is intelligence. Keeping things simple is intelligence. Submit to God. Submission to God. What is submission to God? An agreement to agree with Him. Submission to God क्या होता है? अगर मैं किसी को submit करता हूँ तो मैं agree करता हूँ कि मैं उसकी बात मानूंगा। उसी को submission बोलते हैं। उल्टा मैं जो कहूँगा उसको उल्टा करोगे तो submission नहीं हुआ ना, उसको फायदा नहीं है। दूसरी चीज क्या है? जो वो कहता है उसको सीखूंगा। अभी संगीता की टेस्टिमनी देखो, उसके पास 8-10 साल पुराने मैसेजेस हैं जो उसने लिखे हुए, वो फिर से रिवाइव करते हैं हमारे को, समझा। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे को 20 साल पुराना मेरा मैसेज मेरे को बताते हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे, उनके दिल में बैठ गया हो। हमारे को जो वो कहता है कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। कितनी सिंपल बात है, तो बाइबल पढ़नी बिना किसी ड्रामे। और जो हम सुनते हैं उसको सिर्फ सुनना नहीं, उसको करना है। ये सबमिशन टू गॉड है, उसकी बात मानना सबमिशन टू गॉड है। कुछ चीजें सबमिट करने के लिए मुश्किल होती है, मैं मानता हूं, उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए फास्ट कीजिए, वो भी आसान हो जाएगा। कुछ चीजें जब मैं प्रभु में आया था मेरे से ना करनी इतनी मुश्किल थी, इतनी मुश्किल थी। चाहे एक छोटी सी बात आप देख लें, गाली निकालना, पंजाबी को आपको पता है, ट्रैफिक में आधी निकल जाती है लेकिन पूरी नहीं निकलती। कोई सुपरमैन नहीं है भैया, सिर्फ एक सुपर गॉड है अपना, और बना देता है सुपर। वो सबमिट टू गॉड, दादा के सामने सारा दिन ऐसे खड़ा करूं रहूं, है? हैंडसम होता है यार लड़का, तो थोड़ा मेरे को फिक्र हो रहा है। तो ऐसा खड़ा रहूं मैं और ये कहे पास्टर जी लेफ्ट जाओ, पास्टर जी आगे आओ, इस हाथ जोड़ने का कुछ फायदा है? जो वो कह रहा है उसका विपरीत कर रहा हूं। कहीं आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप इससे ऐसे मिलते हैं और दिल में छुरी होती है कि नहीं? है ना लोग ऐसे? मेरे को तो ऐसे ऐसे शौक प्रभु ने दिए हैं कि जिसको मैं सोच नहीं सकता था। जो मेरा
बोलता था कि पोचा पकड़ के रखेगा पैंट का, या मतलब ऐसे ऐसे वो सब सिखाता है प्रभु। आंख में नहीं मिला के बात कर सकता। कम से कम 10 प्रेयर दिन में लेना। लेकिन क्या है, सबमिशन होती है टू अग्री। अगर मैं आपका लीडर हूं, आपको बोलता हूं कि चलिए फास्टिंग प्रेयर में कल आइए, जितने लोग आ सकते हैं, बड़ी परेशानी मत आइए, कोई बात नहीं, पर आइए। फायदा किसको है? आपको। सोचिए कल तक, दुआ कीजिए कि मेरे को किस चीज की, ये तीन चीजों की जरूरत है टूटे और ये तीन चीजें मेरे पास आए, यू नो लाइक दैट। केशा को नाम दे दीजिएगा अपना, गोरी सी लड़की पीछे बैठी है। तो उसकी बात मानना और करना सबमिशन है। हमारा काम उसके बाद शुरू होता है, रेजिस्ट द डेविल। थोड़े टाइम में वो भाग जाएगा, लेकिन लेओर इतना होता है उस टाइम, कर डालो, सीखना पड़ता है। कुछ नहीं हो रहा ना, तो उस टाइम आप क्या करें, वो काम मत करिए चाहे जितनी टेम्पटेशन आ रही है, चुप करके खड़े हो। और दूसरी जगह बाइबल में लिखा है, गॉड मेक्स अ वे टू एस्केप। वहां से एस्केप करना, एस्केप करना मतलब बच के निकल जाने का रास्ता प्रभु निकालता है। रिजिस्ट करना हमारा काम है। रिजिस्ट कैसे करेंगे? टेम्पटेशन आई, आपको बुला रही है गलत काम करने के लिए, तो आप प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन में जाएंगे, ताकत आएगी, ताकत आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, शैतान भाग जाएगा। प्रोसेस, प्रोसेस है, टाइम लगता है। गलती हो गई, रिपेंट करिए, आगे चलिए। Amen. Amen. Glory of God. God bless. Hallelujah and praise the Lord. Resistance को आप क्या समझते हैं? Resistance किसी भी चीज की आसान नहीं होती। जब ये बच्चे मेरे काम खत्म करते हैं तो ये सामान उठाते हैं इधर से। कभी इनको भगड़ा करते हुए देखा? बल्ले बल्ले, पसीना आ जाता, थोड़ा डीओसी निकाल पड़ता है बाहर, है ना। तो क्या करते हैं, एक ग्रेविटी रिजिस्ट करती है भाग, तो उसको उठाना पड़ता है। पर किस लिए करते हैं? क्योंकि अंदर से मजा आता है कि प्रभु का काम कर रहे हैं। लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी आसान नहीं होती। जब शैतान भी आपको करता है तो आसान नहीं होती। आपकी सेहत कैसे बनती है? झाड़ू का तिनका निकाला और कैसे से किया? कुछ नहीं बनेगा ना। जितना भारी वजन, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस, उतनी अच्छे सेहत है कि नहीं। आप जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, सब ठीक जा रहा है। शुरू में मिनिस्ट्री की परमजीत सिंह के 10 साल, परमजीत सिंह जिधर चला जाता था तो परमजीत सिंह था प्रभु की गरम जलती हुई तलवार, और वो कहीं भी शैतान के काम जो थी वो बटर की तरह उसके अंदर से चला जाता था, एकदम लाल तलवार, कोई रेजिस्टेंस नहीं, स्लो हो जाता है आदमी, स्लो हो जाता है ना आदमी, स्लो हो जाता है।
चलते चलते लेग मसल्स बन जाते हैं और स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल मसल बन जाते हैं, तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फिर तेज भागता है आदमी, फिर तेज भागता है और रेजिस्टेंस आती है। हारता वो आदमी है जो बोलता है इस रेजिस्टेंस से मैं हार जाऊं और बैठ जाता है, वहां शैतान खुश हो जाता है। तो रेजिस्टेंस करते 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 होते आपके स्पिरिचुअल मसल बनते हैं, आपके स्पिरिचुअल मसल बनते हैं और सडनली जब रेजिस्टेंस जाती है, जब प्रभु उसको रिमूव कर देता है तो बड़ा कमाल होता है। पहले आप 20 किलोमीटर की भाग रहे थे, अभी आप इतने स्ट्रांग हो गए आप 100 किलोमीटर की स्पीड से। समझने की बात है, जो समझे वो समझे। ये प्रभु ने मेरे को भी समझाया है, आपको मैं बता रहा हूं सब यही छोड़ के जाऊंगा, मैं लेके मेरे को जाना नहीं है, अभी टाइम है, फिक्र मत कीजिए, आई होप सो। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको ये मसला ये अभी प्रभु ने दिया है मुझे, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझे अगर मैं आपके पीछे एक रस्सी के साथ टायर बांध दूं, आप पहले भागते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के चैंपियन हैं। अब इसको स्पिरिचुअली ले जाइए, स्पिरिचुअली अगर प्रभु आपके पीछे एक टायर बांध दे, एक स्पिरिचुअल टायर, अगर आपको मैं फिजिकली पहले समझाता हूं तो समझ आएगा आपको। आप खिलाड़ी हैं, आपके पीछे आपने देखा होगा ना टायर वायर बांध देते हैं, तो आप पहले भागते हैं वो, जब आप टायर के साथ भागते हैं बहुत मुश्किल लगता है, पर हर दिन आसान होता है जो भागता रहेगा। जो भागना बंद कर देगा उसका पहले वाला बिना टायर के भागना भी क्या, और टायर के साथ भी भागना। जिंदगी में टायर के साथ बोझ के साथ भागना ही पड़ता है भाई और बहनों, लेकिन ये आपका स्पिरिचुअल मसल बनाता है। जैसे ही वो टायर निकलता है आप पिछले टाइम से बहुत अच्छे टाइम भागते हैं, क्योंकि आपकी ताकत बढ़ जाती है उस रेजिस्टेंस से। जैसे कि जिम में जब आप भाग उड़ाते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाती है, उस तरह जिंदगी में जब तकलीफ आती है, जब टेम्पटेशन आती है, जब बुरा होता है वक्त, तो अगर आप बैठ गए, मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा है मैं तकरीबन बैठ गया, लेकिन जब आप चलते रहते हैं तो फिर उसके बाद आप उड़ते हैं, आपको उड़ना सिखाता है। उड़ना है कि नहीं, उड़ना है ना सर? यस सर। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। किसी ने लिखा है, बड़ा धन्यवाद करता हूं आपने मुझे इंटेलिजेंट बोला और आपने बोला द मोस्ट प्रैक्टिकल, मोर मैन ऑफ गॉड नीडेड लाइक दिस, मैं आपका प्रणाम करता हूं, धन्यवाद जो आपने बोला। प्रैक्टिकल टीचिंग्स विच यू कैन अप्लाई, सारा दिन मैं बोलता बी होली बी होली बी होली हो, शील बिकम होली, जोड़ती हुई आ रही है भावना, इतनी होली हो। आई डोंट हैव टू टेल हर टू बी होली, आई हैव टू टीच हर स्क्रिप्चर्स विच मेक हर होली, I have to teach her. Saying something to you, be strong, हो जाता है कोई? किसी घर में ट्राई होगी, be strong. अरे तेरे साथ होती, तेरा क्या हाल होता? तेरे माँ या बाप को कुछ ऐसा हुआ तो तेरे क्या हाल होता? They don't have to be told be strong. They have to be loved. Love them. Somebody goes through a hard time. Encourage them. Love them. Tell them scripture. Then strengthen them by the word of God. And strengthen them by your love to them. That is biblical. So resistance kabhi aasan nahi hoti. Resist the devil and he will flee. Ha 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 ha. Or resistance समझ नहीं आती होती क्या है? कितना आसान लगता है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली, जाना, नो ही वोंट गो, जाना प्लीज, नहीं जाएगा वो, कट्टी, नहीं जाएगा वो, नहीं जाएगा। I belong to Jesus.
I resist you by the blood of the Lamb. मैं उसके लहू से तुझे रेजिस्ट करता हूँ, प्रभु के वचन से तुझे रेजिस्ट करता हूँ, प्रभु की ताकत से तुझे रेजिस्ट करता हूँ। और प्रभु ने बोला है कि तू जाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। मैं तुझे भगाता हूँ उसके लहू से। पर उस टाइम ख्याल अलग आते हैं, कौन देख रहा है यार, अड़ा है। 10 मिनट यार क्या हो गया, 1 घंटा है, 5। अरे माल मिल रहा है यार, माल मिल रहा है भाई। एक आदमी मेरे साथ गार्डन में वॉक करता था, उसने मेरी राइट आर्म में दर्द करा दिया। ऐसा हुआ उसका थंब से मेरी बात पे मारता था। पैसा किसे दिया चल। जब तक 3 राउंड मारे मेरे बाप, और जैसे थम पैसा किसे नहीं चला, मुझे बोला था हाँ रियली आई मेट कैरेक्टर लाइक रिक्त। ने बोला तेरे पास पैसा है? कहता है हाँ सब ठीक है। मैंने शादी हुई? कहता है नहीं जी, मेरे को जो लड़की मिलती छोड़ दी जाती है। सीरियसली आई एम नियरली वर्बेटिम मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा बाकी फैमिली वगैरह? कहता उन्होंने मेरे को बेदखल कर दिया जब मैं एक्टर रूम में आया। मैंने कहा तू खुश है? कहा जी बहुत दुखी हूं। मैंने कहा पैसा किसी को भी अच्छा लगता? उसके बाद उसने मेरी बाह को भी छोड़ दिया और ये बोलना भी छोड़ दिया कि पैसा किसको नहीं अच्छा। You don't teach, you can't say, okay, be only, you don't teach. First of all, you don't teach. हाँ जी मजा आ रहा है। We belong to Jesus, we resist the enemy through the blood of the Lamb. Amen. Gagandeep ji, Nilu Nair ji, thanks Pastor ji. God bless you. You are welcome, Nilu ji. We love you. सबका स्वागत है। John 8:36। जब तक वो हिंदी में मैं ही बोलता हूँ, छोटा सा वर्स है ये। मेरे को फर्स्ट डे से ना मेरे दिल में प्रभु ने लिख दिया ये वर्स। फर्स्ट दिन से प्रभु ने मेरे दिल पे ये वर्स लिख दिया। ये वर्स है, इफ द सन सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। I love my freedom, my mind, of my spirit. I love it, of living in a democracy. बोलिए। यूहन्ना की पुस्तक से 8वां अध्याय और 36वीं आयत। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तू सचमुच तू स्वतंत्र हो जाओगे। अभी आते हैं ट्रेनिंग पे। हम प्रभु में आए, प्रभु ने हमारे को स्वतंत्र किया और हम स्वतंत्र हो गए। प्रभु ने क्या बोला? सबमिट टू गॉड, रिजिस्ट द डेविल। हु हैज टू रिजिस्ट द डेविल? आई। हु हैज टू सबमिट टू गॉड? प्रभु के प्रधान। हमारे को कैसे करना है सर? हमें करना है। हर वक्त एक प्रभु का पार्ट होता है, एक हमारा पार्ट होता है। एक प्रभु का पार्ट होता है, एक हमारा पार्ट होता है। एक वर्ड्स में बहुत बोलता हूं, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। अभी मैं आपको एक और चीज समझाता हूं जो मैं अभी कर रहा हूं, तो सोच के नहीं आया हूं। लेकिन अभी आपने रिपेंट किया, रिपेंट किया और आपने यहां पे झूठ बोला, यहां पे चोरी की सपोजिंग है, तो प्रभु का किंगडम थोड़ा दूर चला गया ना दोस्त। नेक्स्ट चीज वो बोलेगा आपको, चर्च मत जाओ। फिर उसकी विक्ट्री है, फिर उसकी विजय।
फिर उसकी विजय, अगर आप मान जाते हैं बात। और मैंने अपनी जिंदगी में दसियों बीसियों लोगों के साथ सौ लोगों के राह होते देखा है, जहां वो हारे जहां उन्होंने सोचा वो जीते। तो दीपा किसी का फोन बजा, हाँ तो आपने कुछ बोला हुआ है अभी क्या ऐसा कैसे होगा? अच्छा अभी नजर नजर उधर कर रही है, सबको अप्लाई होता है भैया। डेंजर है। अच्छा तो हमारे को फिर क्या करना है? रिपेंट करना है। रिपेंट का ये मतलब नहीं रिपेंट डू ऐसा नहीं। जब आप रिपेंट करते रहेंगे ना, वो चीज जो मुश्किल थी, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे चोरी करना हो, चाहे बिटरनेस हो, चाहे किसी का गॉसिप करना हो, आप करते रहे करते वो आपकी जिंदगी में क्वांटिटी कम होती रहेगी। इस तरह से हम सीखते हैं, उसकी क्वांटिटी एकदम छन ना जाए, कुछ चीजें चली जाती फट से, कैंसर हील हो जाते हैं फट से, ये होता है। लेकिन अगर आप रिपेंट करते रहेंगे, आपके अंदर होली स्पिरिट स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे और आपकी जो कॉन्शियस है वो बढ़ती जाएगी। जब आपकी कॉन्शियस बढ़ती जाएगी, दैट सिन हैज नो अट्रैक्शन फॉर यू, वो निकल जाता है आपकी जिंदगी से। मैं नहीं बोला मेरे से आगे माफी मांगू, मैं बोला प्रभु से मांगू, आपका और प्रभु के बीच में। ये आपको बनाता है मजबूत, स्पिरिचुअल मसल देता है, ये आपको स्पिरिचुअल मसल देता है, डोले ऑफ द स्पिरिट। Psalm 119:45। मैसेज से आप क्या सीख रहे हैं आप लिखेंगे तो बड़ी अच्छा लगेगा मुझे। मैसेज से आप क्या सीख रहे हैं आप लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। दुआ तो मैं करूंगा जरूर जी, रंजीत नेगी जी आपकी फैमिली को प्रभु ब्लेस करे। इमॉर्टल क्राइस्ट शलोम जी, गॉड ब्लेस यू, जुड़े हैं आप मेरे साथ। एडना रवाल, आई थिंक यू कम फॉर द फर्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू। आराध्या, गॉड ब्लेस, सबका स्वागत है। एस के राजपूत मुंडाल जी स्वागत है। दीपा हकानी जी स्वागत है। स्पिरिचुअल मसल संगीता नाइस, पढ़िए। भजन संहिता 119वां अध्याय और 45वीं आयत। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू टू मालवा जी, यू आर अमेजिंग टू। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, Who likes open spaces? I love open spaces. Open space देखता हूं मेरा आदमी चेंज हो जाता है। मुनि कहती है परमजी जी, पहाड़ पे टॉप पे जाके आसमान दिखता है, जब कोई बिल्डिंग नहीं दिखती ना, दिखती है तो दूर दिखती है। एक फ्रीडम आता है स्पिरिट में, बहुत जबरदस्त फ्रीडम आता है। ओपन स्पेसेस, बंगला हो सामने, बड़ा गार्डन हो, सुबह आप उस पर चले, बीच में कुर्सी रखें, आप चाय का प्याला पिए, किताब पढ़ें, कितना अच्छा लगता है कि नहीं? आंगन कितने अच्छे लगते हैं, आंगन। हम लोग क्या बड़े हुए, हर घर में आंगन होता था। अभी आप लोग आंगन समझते सब लोग ना? अच्छा, तो ओपन स्पेसेस, हियर ऑल्सो कीप ओपन स्पेसेस इन द स्पिरिट, कीप ओपन स्पेसेस विच रिसीव्स थिंग्स ऑफ गॉड। पूरी जो भी ओपन स्पेस बची आपकी जिंदगी में, आपको मैं पानी की बाल्टी दे दूं तो उसमें बोलूं मैं इसमें कुछ और भर, तो पानी फेंकना पड़ेगा ना।
है कि नहीं? तो हमारे को जो यहां स्पेस बनानी है वो प्रभु की, गॉड विल ब्रिंग यू इनटू ओपन स्पेसेस, मतलब जहां पे आपका रोल चलेगा, दूर तक दिखता है वो पुरानी फिल्मों में होता था ना डायलॉग, यहां से लेके जहां तक आप देख सकते हैं सारी जमीन हमारी, वो तो है पुरानी फिल्मों में, जहां तक आपकी नजर देख सकती है सारी जमीन हमारी। तो वैसे ही ये जमीन जो हमारी है ओपन स्पेसेस में हमारे को प्रभु लगता है, क्या बोलता है वो क्या है इसको 45, फ्रीडम फॉर मी फॉर आई हैव सॉट आउट योर प्रिसेप्ट्स। यू नो एंजॉय द वर्ड ऑफ गॉड इज फन, यू डोंट हैव टू ऑलवेज गो everything yeah, God, that also you go through, you know, but God, word of God is for my betterment, for my joy, for my fun, for my better life, you understand that? उसको हर वक्त एक हमें ऐसा एक वो बना देंगे एनिग्मा, तो कैसे समझेंगे? फिर तो हम वो ही करेंगे ना जो दुनिया करती है। बाइबल को ऐसे रखे ऐसे तो करने को नहीं बोला ना। चेंज योर पिलो, आई गॉट अ पेन इन द नेक, मैंने कहा कुछ कर, मैंने कहा रीड द बाइबल, कहता आई डोंट रीड इट, आई कीप इट अंडर माय पिलो। तो गर्दन में दर्द नहीं होगा तो कहां दर्द होगा आप बताइए मेरे को? अभी ऐसे हो रखा है उसकी गर्दन, पढ़ने की जगह है वो सिर के नीचे रख रहा है, जैसे आप आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो आपने मैथमेटिक्स की किताब सर के नीचे रख ली तो सारा मैथमेटिक्स के अंदर घुस जाएगा। हंसना लौट, उसी तरह दुनिया करती है, तेरे को ये तकलीफ हो रही है तो अपने राइट साइड बेड से उतरा कर, लेफ्ट से उतरता था ना, हाँ यार लेफ्ट से उतरता था, मतलब लाइफ इतनी सिंपल है, चश्मे की शेप बदल ले, राइट साइड से ऊपर, दूसरे दिन उठा पानी पड़ा होता डिशकियां। यूज योर कॉमन सेंस, स्पिरिचुअली पीपल डू नॉट यूज देयर कॉमन सेंस, दे यूज इट टू बाय क्लोथ्स, ऐसे करके देखेंगे कॉटन है या पॉलिस्टर मिक्स है, ये कलर कैसा लगता है यार, नायक साहब को दिखाई एक सेकंड में बता देंगे, ऐसे ऐसा करते हैं कुछ कपड़े को और बता देते हैं इसमें क्या है। काम किया उन्होंने, संगीता बता देंगे। The thing is, physical चीजें हम कैसे चेक करते हैं, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में नहीं सोचते। Because why have I come into an open, large, windy, airy, blessed place? क्यों आया हूं मैं ऐसी खुली जगह पे? क्यों प्रभु मुझे लाया है? Because I do your precepts. मैं तेरी बात मानता हूं, मैं तेरी बात मानता हूं, कोशिश करता हूं मानने की, मेरा दिल यही है कि मैं तेरी बात मानू। दिस इज द एटीट्यूड। आप हर चीज को नहीं मान सकते इमीडिएटली, मोनी जी नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं। सर आप नॉट इज परफेक्ट, लेकिन हम इच्छा रखते हैं मानने की। दैट इज व्हाट गॉड लाइक्स एंड ही ब्रिंग्स यू देयर। वो तुम्हें वहां लेके आता है जहां आसान हो जाता है मानना। अब देखिए बात, मैंने स्कूल में कोई ओरेटरी नहीं की, गेम्स का शौक था, गेम्स के लिए कॉलेज में भी खेली मैंने, कोई मुझे शौक नहीं था मैं किसी को कुछ सिखाऊं। मैं आदमी ऐसा था बहुत जल्दी पक जाता था, अभी बहुत पेशेंस हो गई। तो क्या हुआ, कमाल है यार तुम लोग, कुछ भी यार, कुछ भी यार। चलो तो क्या है कि ये जो मैं बोलता हूं घंटा डेढ़ घंटा, तो मैं क्रूसेड्स पे जाता हूं या ये कोई मेरे को बोलता, मेरे को इतनी फिजिकल स्पेस अपनी इंपॉर्टेंट है, कोई मेरे पास आके बात करे तो मेरे को टेंशन हो जाती है। और कुछ लोगों को टूथपेस्ट चेंज करने की जरूरत होती,
तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इतना और उस आदमी को प्रभु ने डाल दिया, अभी मतलब हजारों लोगों के बीच में सराउंडेड, शफल्ड, हसल्ड, बज्ड, यू नो, ओह आई डोंट लूज माय विश्स। तो ये सब किसने सिखाया? ये ऑपोजिट ट्रेट्स थे मेरे, मेरे में थे ही नहीं ये ट्रेट्स। किसने डाल दिए? प्रभु ने डाल दिए, ठप करके डाल दिए। आई हैव टू ले हैंड्स ऑन सो मेनी पीपल व्हिच इज नॉट समथिंग आई वुड एवर डन। मोस्ट टू मोस्ट से शेक हैंड और हग। तो ये चीजें प्रभु सिखा देता है, जो जिस चीज के लिए आपको तैयार करता है वो एम्पावर करता है आपको, जिस चीज के लिए वो आपको स्पिरिचुअली तैयार करता है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप उसकी बात मानना चाहते हैं और आप कहते हैं मैं हूं यहां मुझे भेज, तो वो आपको तैयार करता है। और हमें बोलना पड़ता है कि मैं हूं यहां मुझे भेज, मेरे को इस्तेमाल कर। I love the way Sangeeta spoke very beautifully. Sangeeta is needed to speak like that because I would have said all that in 3 minutes. But you need to elaborate. Some people, if everybody was as short as me, the problem is that, yeah, so you are needed. So don't worry. साम 81:11-12 बहुत ध्यान से सुनेंगे हम। अरे परुल, यू ऑल्सो कॉल्ड मी अमेजिंग, अच्छा तू भी अमेजिंग है, चल थैंक यू परुल, यू आर अमेजिंग टू, यू ऑल आर अमेजिंग। यू कैन शेयर माई मैसेजेस, यू कैन लाइक माई मैसेजेस, यू आर रेडी टू गो फॉर मिनिस्ट्री परुल, वेरी गुड, प्रे फॉर इट। अगर पीस आता है तो जाओ अपने चर्च में प्रार्थना कराओ, है बेटा देहरादून में। हाँ जी, मैं भी दुआ करूंगा आपके लिए, बट इफ यू आर कॉल्ड गो। भजन संहिता की पुस्तक से 81 अध्याय का 11 और 12 81 11 12 परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया। सुनिए समझिए कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। किसको समझ आए? सविता को। किसको और समझ आया? क्या समझ आया सविता? क्या मतलब है इसका? नहीं नहीं वो पढ़ो मत, तुम्हें समझ गया है। मेरा सुना नहीं, हाँ, इसलिए मैंने उनको उनके ही चाल चलन पे छोड़ दिया, जैसा वो चाहते वैसा। वेरी गुड। अभी ये कितनी डेंजरस बात है आपको समझना है। हम चाहते हैं ना हम अपनी करें, हम चाहते हैं हम अपनी करें। जब प्रभु बोलता है जा अपनी करे, वी आर फिनिश्ड, वी आर डन फॉर सर मैडम। प्रभु दिल हार्डन कर देता है, वो बहुत समझाता है। मैं कहता नहीं, मेरे को ये करना, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। प्रभु बोलता है मत कर, ये तेरे को मार देगा, नाश कर देगा, मुझे यही करना है। एक दिन प्रभु बोलता है जा कर, फिनिश्ड, डेथ इज नियर, डिस्ट्रक्शन इज नियर 100%। गिविंग यू एक्चुअली द डिजायर ऑफ योर हार्ट, a wrong desire of your heart he gives you, because being God he knows it's wrong, but you in your flesh so love that wrong thing that you can't leave it. He said go do it, and like the flower is there and the flower is no more, the grass is there, the grass is no more, man was there, man is no more. How long does it take? I've seen healthiest of men, women, suddenly go away. He's dead. She's dead. हाँ, बिल्कुल आप ठीक है। बोल बेटा, घबरा के लिए। मैंने एक
बहुत बहुत तंदुरुस्त लोग देखे जो सडनली अरे कहीं शहर में गए मर गया, क्या हुआ, जुकाम लगा, उसके बाद हुआ 3 दिन में डेथ हो गई। अरे इतना लंबा चौड़ा तरह आदमी। You should not for the life of you, हिंदी में बोलूंगा, no, you should not for the life of you want God to let you have your own desires. ये बात समझनी जरूरी है, ये हमारी दुनिया के विपरीत है ये thought. सुपरमैन थे बहुत अच्छे, फिल्म देखी आप सब, 6'3" आई एम नॉट सेइंग ही वाज अ वेरी गुड मैन, लेकिन जब वो हॉर्स राइडिंग करते थे, जब मारते थे, एक तो जो उनका वेट बहुत ज्यादा था, मस्कुलर आदमी थे, पूरी भरी जवानी में शायद उन्होंने प्रिकॉशंस लेने कम कर दिए, बीच में शूटिंग चलती थी, प्रैक्टिस कम हो गई हॉर्स राइडिंग की, एक दिन क्या हुआ, गॉड ब्लेस आई होप ही इज विद द लॉर्ड, he got paralyzed and died. Horse riding is not the best thing to do, but if you do not know to handle a gun, don't take it in your hand. Never point a gun at anybody. I have seen a acquaintance of mine, a friend of mine, very handsome man. तब मैं भी थोड़ी बहुत मॉडलिंग करता था, वो गया एक पार्टी में, मुझे मिलता था इधर उधर, पार्टी में मैं कभी जाता नहीं था, पर कभी गया ऐसे साल में 2 साल में, तो वो आदमी अपने दोस्त के यहां गया, अर्ली 30s में था, उसका जो फ्रेंड था वो पॉलिटिशियन का बेटा था, और उसने कुछ कॉन्वर्सेशन हुई, उसने कहा उसके पास पिस्टल है, तो बड़ा एक्साइटेड हो गया, सारे आदमी हो जाते हैं पिस्टल का नाम सुन, तो उसने देखा तो उसने कहा डैडी मैगजीन निकाल के रखते हैं, उस लड़के को भी नहीं पता था, लेकिन पिस्टल और रिवॉल्वर में एक फर्क होता है, जब आप पिस्टल रिवॉल्वर को आप उसके मैगजीन को अंदर डालते हैं तो एक बुलेट अपने आप चेंबर में आ जाता है, तो जब आप उसका मैगजीन निकालते भी हैं तो उसमें एक बुलेट अंदर है, मैगजीन निकल गया, नॉलेज गन्स की जी नहीं, तो कहता रशियन रूले खेलते हैं, ही फायर्ड द बुलेट वेंट फ्रॉम हियर आउट ऑफ हियर, 32-year-old मैन डेड, डू नॉट डू थिंग्स यू डू नॉट नो, डू नॉट डू थिंग्स दैट यू डू नॉट नो, तो हमारे को नहीं पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, वो प्रभु से सीखना पड़ता है, अगर बड़ी जगह पे जाना है तो जो वो कहता है करोगे तो आपको बहुत बड़ी जगह मिलेगा, नो हरीश गैब्रियला एमैन 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 थैंक यू दीपा हकारी एमैन परुल बात करो सीनियर से लीडर से बात करो वहां पे जहां पे तुम हो जल्दी से मत कुछ करना ओके ही गेव व्हाट डू वी वांट दैट आर ओन डिजायर्स वी वांट आर ओन डिजायर वी वांट आई वाज सो सैड टू रीड एक 17 साल का लड़का ट्रेन में स्टंट करते हुए मर गया पढ़ा था किसी ने पेपर में ओन डिजायर Killed him. भिवंडी का ही था. देखिए. बेचारा. उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए. मैं उसको बहुत मदद कर मेरे बाजू में था. वो भाई. रेगुलेशन में हम ही कराए थे जगह. अरे ये उस लड़की को देखो स्मॉल वर्ल्ड एम्बुलेंस में लेके गए गुजर गया 17 साल का था. गुजर गया अभी. आज पहुंचेगा 8 बजे का. आए आए आए. देखो. स्टंट करना था उसको वो स्टंट मैन नहीं है स्टंट होता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में लोकल ट्रेन पे नहीं होता है तो फादर गॉड भी एक मेरे साथ बोली प्रभु यीशु बहुत इंपॉर्टेंट ये समझिए आज आपको समझना बहुत जरूरी जो आप देख रहे हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी हमारे प्रभु यीशु हमारी बहुत इच्छाएं हैं
प्रभु, हमारे को अच्छी बुरी इच्छा, हमारे को अच्छी बुरी इच्छा अपनी रूह के द्वारा उसमें फर्क दिखा। जितना आपको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमको नहीं पता है, और ऐसा हम आपके सामने मांगते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। प्रभु यीशु, मेरे अपनी इच्छा में मुझे ना छोड़ना, हमेशा मुझे प्रभु अपनी इच्छा में रखना, कि मैं बड़ी जगह में जाऊं और तेरा धन्यवाद करूं। आमीन। Moni just opened it and got what? Psalm 143:10. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me onto level ground. वही तो मैंने प्रेयर किया अभी। वही है, सेम मीनिंग, सेम है ना। So on level ground, कि मेरा पैर ना टकराए, मैं गिरू ना। On level ground or large ground. Psalm 143:10. लिख लीजिए, Psalm 143:10. Verse 10 जरूर पढ़ेगा। Proverbs 29:1. तो always remember the greater in you. कभी कभी मेरे में भी मेरी एबिलिटी आती है। अभी मैं उस स्टेज पे हूं कि मैं बोलता हूं, अच्छा तेरे को दिखाता हूं, यू नो द नेक्स्ट प्रेयर आई मेक इज, ये थॉट को मैं क्रूस पे ले जाके कैंसिल करता हूं, इसको होने से कैंसिल करता हूं अपने लिए। कम से कम दो बार होता है दिन में, एक बार होता है, कभी एक दिन में 5 बार होता है। पर मैं इमीडिएटली उस थॉट को रिकॉग्नाइज करता हूं कि ये मेरे फ्लैश से है, और उसको मैं कैंसिल करता हूं। प्राइड, ये मेरा ये मेरे प्राइड के लिए, ये मेरी टॉर के लिए, उसको मैं कैंसिल करता हूं। ये कोई बुरी बात नहीं कि आपको लाल शर्ट चाहिए, आपको पीली शर्ट चाहिए, आपको वो कोई बात नहीं। लेकिन जहां आपके दिल में स्पिरिट में आता ना कि आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं, वो थॉट को कैंसिल कर देना चाहिए। चलिए 10 मिनट और, लंबा मैसेज हो गया आज। ये पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए, आप समझदार लोग हैं मुझे पता है। 2 Corinthians 10:3-5। अभी इस बात को आज बहुत जरा जो प्रीचर्स भी वही सुन रहे हैं, जो 5 बार में सुन रहे हैं, मैं विनती करता हूं आपसे इस स्क्रिप्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आपको भी कुछ समझ आए, रेवलेशन आए, कमेंट कीजिए वहां पे, क्योंकि ये बड़ा मिस इंटरप्रेटेड स्क्रिप्चर है। इसको आज कोशिश करते हैं कि होली स्पिरिट हमारे को इसको समझाए। तकरीबन सारे पास्टर्स इसको कोट करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये हमें आज समझना बड़ा जरूरी है। दो कुरिन्थियों की 10वां अध्याय और 3री और 5वीं आयत। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, वो लड़ना है तो आप बॉक्सिंग सीखिए। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, इसको याद रखना, मेरे को याद दिलाना, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हम गढ़ों को हमारे लड़ाई के
हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार बोलिए हमारी आत्मिक, बोलिए लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक लड़ाई शरीर से नहीं लड़ी जाती। आज समझिए स्क्रिप्चर को, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। एक मिनट, किसको ढा देने के लिए? गढ़ों को ढा देने के लिए, शारीरिक नहीं है इसके शस्त्र, शारीरिक नहीं है ये गढ़ों को। सबसे बड़ी मिस्टेक जो पास्टर्स करते हैं, जो लीडर्स करते हैं, वो लोगों से दुश्मनी करते लोग से लड़ाई नहीं है उसमें, वो स्पिरिट है। तुम्हारी आदमी से लड़ाई नहीं है कि उसमें वो स्पिरिट है, उस स्पिरिट से तुम्हारी लड़ाई है, वो शारीरिक नहीं है। सो इफ आई स्टार्ट हेटिंग समबडी हु हैज अ इविल स्पिरिट और अ रॉन्ग स्पिरिट, आई एम द मोस्ट फूलिश लीडर इन द वर्ल्ड। किसी में है कोई क्वालिटी की वजह से अगर मैं उससे नफरत करूं तो मेरे से बेवकूफ दुनिया में लीडर नहीं है कोई। शारीरिक लड़ाई तो है नहीं, मुझे तो प्रार्थना करनी है अगर वो सत्य में गलत चीज है कि मैं हथियार उठाऊं स्पिरिट का, मैं हथियार उठाऊं प्रभु यीशु के नाम का, मैं हथियार उठाऊं लहू का प्रभु के और उस स्पिरिट को हरा दूं। शारीरिक लड़ाई नहीं है, लेकिन उस आदमी और उस औरत को चर्च में उतना ही प्यार करूं जितना दूसरे को करता हूं। ये मैच्योरिटी होती है, उस आदमी औरत को उतना ही प्यार करो जितना मैं मेरे फेवरेट आदमी को करता हूं, क्योंकि उस मेरी शारीरिक लड़ाई किसी से नहीं है, यहां मेरी शैतान से ऊपर जाना पड़ेगा, शरीर से आगे जाना पड़ेगा, शरीर के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, शरीर के ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं इस स्क्रिप्चर को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कोई फेवरेटिज्म नहीं करना चर्च के अंदर। आमीन। शास्त्र मंदरम से बजाओ। सबको इक्वली मोहब्बत करता। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कभी कभी हमारे अंदर आपके अगेंस्ट बहुत ख्याल आते हैं, मुझे और प्यार आता है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी गलती नहीं। ज्यादा लोग तो यही बोलते हैं आपको हम बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ लोग सत्य में बोल देते हैं कि आपके अगेंस्ट हमारे को बड़ा गुस्सा आता है, स्पिरिट मेरे अंदर जो है होली स्पिरिट, और वो अभी सीख रहे हैं ना, वो उन दूसरी स्पिरिट, तो मेरे को उसमें तो प्यार आता है, वो तो बंधन में है, तो मैं उसको और प्यार करूंगा। तो मैं सलाह में बोलता कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गई है शारीरिक लड़ाई थोड़ी है, मारपीट थोड़ी ना शरीर की, ये स्पिरिचुअल मारपीट है। फिर जब प्रेयर मैं करता हूं वो स्पिरिट निकल जाती है, मेरे को मजा आ जाता है। तो किसी आदमी हमारे को खुन्न सुने हैं, हम किसी से हमारे को स्पिरिट को समझना है। दैट इज अ मैच्योर लीडर। दैट जो मुझे देख रहे हैं लोग, सर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस बात को समझ आइए, आपके कलीसिया जो है ये लड़ाई शारीरिक से ऊपर है, इसको अगर आप शारीरिक बना देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अरे उसमें कुछ है तभी तो वो आया है, कुछ निकलना है, कुछ बदलना है, मेरे में नहीं था क्या? मैं कौन सा दूध का दूल्हा था? आजकल तो दूध में भी अडल्ट्री है, अडल्ट्रेशन है। तो पूछता है पानी में कितना दूध डालो। पांचवा, हाँ बढ़िया, दोबारा बढ़िया सर। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते।
और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, मतलब जो भी ऊंची सोच हमारे को अपने लिए आती है कि नहीं ये मेरे से छोटा है, नहीं मैं इससे ज्यादा मानता हूं, उसको क्या करना है? खंडन करते हैं, खंडन करना है उसका। स्पेशली पास्टर्स, स्पेशली चर्च लीडर्स खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं ओबीडियंस। आपको आपस में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपस में शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, उसको स्पिरिचुअली सॉल्व कीजिए। मेरे पास कोई भी आता है, कुछ भी है उसमें, कुछ मेरे पास लोग आते क्यों ज्यादातर, कुछ प्रॉब्लम है ना तभी आते हैं ना, तो मैं लोगों से झगड़ा करना शुरू करूं। एक अच्छा है वो बुरा है, जो मेरी तरह सोचता है वो अच्छा है, जो मेरी तरह नहीं सोचता बुरा। आई शुड बी अ लीडर ऑफ अबाउट 2.5 एंट्स। चींटियों का लीडर होना चाहिए, क्योंकि चींटियों को पता क्या करना है, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वो आपको ही कुछ सिखा देंगे। इफ यू वांट टू बी हसना लाउड बेटा, ये चींटी इधर जाओ, चींटी उधर ही जाएगी जिधर उसको जाना। एक स्पिरिचुअल फरवर में आदमी अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझना शुरू कर, और कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो किसी को भी ढूंढते हैं, किसी को भी ढूंढते हैं। उसको फोन किया, सच बात बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, मेरे से बात नहीं हो रही, मेरे को अस्थमा हो गया, मेरा गला बड़ा खराब हो गया। लड़की ने बोला उनको, जो अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर समझ, मेरी बात नहीं हो रही, सांस नहीं आ रहा। अरे फिकर मत करो, फ्रिज में से सबसे ठंडी बोतल निकालो और सबसे ठंडी बोतल निकालो और उसको पियो। यीशु हमारा महान है। He went to the hospital. ये किसकी थी? अपनी, उसकी। मैं यीशु अकल, अभी वो कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। कोई लोग मेरे पास बताए, वो बैठे हुए वहां पे, मैंने कहा क्या हुआ? कहते कल प्रार्थना करने गए थे। मैंने कहा प्रार्थना से ऐसा थोड़ी ना होता है। कहते नहीं, इविल स्पिरिट निकालने गए। उसके बाद इविल स्पिरिट निकालने गए तो मैंने, किसने बोला? पास्टर ने बोला कि नहीं नहीं हम बहुत प्रार्थना फास्टिंग किया, बहुत अच्छी बात है फास्टिंग की। वो इविल स्पिरिट उनमें आ गई, उनको दूसरे प्रभु के लोग निकाल दें, डबल प्रॉब्लम। आज हो गया पूरा। तो ये हमारे को सोचा चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, कि हमारे को किसी से झगड़ा शारीरिक नहीं है। अगर हमारे को थोड़ा आइडियोलॉजी का है, जेलिसी का है, तो कोई भी चीज का है, इट इज अ स्पिरिट टू बी डेल्ट इन द स्पिरिचुअल रियल। पता है आगे बैठा हुआ है, पर्स में पत्थर मांग लेके आए, पत्थर मारे क्या उससे कुछ, मतलब क्या प्रॉब्लम शारीरिक नहीं है। Things in the church are not शारीरिक, they are spiritual. They are spiritual. तो यहां आज बात यहां खत्म करते हुए एक प्रार्थना करता हूं मैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु इस मैसेज के लिए। प्रभु मैं आशीषित हुआ, जितने लोगों ने देखा प्रभु वो आशीषित हुए प्रभु। बड़ी जगह प्रभु उसके प्रसेप्ट को मानना प्रभु, अपनी इच्छा हमारे लिए डेंजरस होती है प्रभु। हमारे को अपनी इच्छाओं से निकाल के आपकी इच्छा में आना, कुछ अच्छी होती है अच्छा है हमारी, कुछ बुरी होती है प्रभु, उनमें डिफरेंस दिखाना प्रभु, और पाप से बचाना प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम लोग जो है ये समझेंगे प्रभु कि प्रभु कभी भी हमें अपनी इच्छाओं पे ना छोड़े। सबसे खतरनाक जगह दुनिया की कि प्रभु ने हमारे को अपनी इच्छाओं पे छोड़ दिया। ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, कोई भी ना चाहे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस स्क्रिप्चर को आज सुने, इस स्क्रिप्चर को आज समझे, जो बहुत मिसइंटरप्रेट होता है। हमारे को यह मानना है कि हर एक आदमी कलीसिया में बराबर है, हर लीडर को मानना है, हर पास्टर को मानना है, और जिसमें जो गिफ्टिंग है उसको बढ़ाना है, और चीजों को स्पिरिचुअली फाइट करना है, उसको मेजॉरिटी बोलते हैं। प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम सिर्फ कलीसिया में नहीं प्रभु, पर शैतान के गढ़ों को पूरी दुनिया में हर जगह उनको फोड़ेंगे हम लोग, उनको हराएंगे हम लोग। हर शैतानी गढ़ को हम लोग हरा सकेंगे, क्योंकि हम समझ गए ये काम शारीरिक नहीं है, ये काम आत्मिक है।
ये समझ के हम लोग काम करेंगे, हम देख के आप एक आदमी को हराना चाहते हैं, अरे आप तो देखेंगे आप गढ़ों को किलों को गिराएंगे। ये बात हमारे को समझ में आया कि छोटी चीज से एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे से छोटी छोटी चीज को छोड़ के, जैसे पुराने जमाने में बड़े बड़े जो 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 वॉरियर्स थे, जो वॉरियर्स थे, जो जो जंग लड़ने वाले थे, वो किले का कब्जा करते थे। आज से हम किला का कब्जा करने वाले लोग अवश्य बनेंगे, हम लोग किलों का कब्जा करेंगे, यीशु के नाम से के आगे अधीन करेंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यस। आज मुझे लगता है पूरा मैसेज सबको समझ आया, जरूरी था। आइए कॉयर थोड़ा एक तो गाना वर्शिप कर लेते हैं। थैंक यू यार। दिस ऑल्सो इज ओबीडियंस टू गॉड। सिंस द टाइम नितिन हैज कम, दिस बॉटल ऑफ वॉटर अराइव्स। एक गाना मेरी स्पिरिट में हमेशा आया था, कल मैं नोट्स पे लिखा सिंग इन वर्शिप इज दिस। बिलो तो आज 35 एंड प्लस तैयार हो जाए, हाथ उठाए कौन 35 एंड प्लस, कौन कौन है? ठीक है, ओके ओके, कुछ नहीं उठा रहे बेचारे। Yeah.
तेरी जय हो प्रभु। अभी गाओ कुछ। Om Dharamsa, Om Dharamsa.
और जो लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर आदमी गढ़ जो गलत है, हर जो गलत गढ़ है प्रभु आपके लोगों पर, प्रभु जहां से मुझे देख रहे हैं जो लोग यहां है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु जोर से नहीं ताकत से नहीं पर मेरी रूह से बोलता है परमेश्वर, शारीरिक ताकत से नहीं, मेरी ताकत से नहीं, तेरी ताकत से नहीं, पर रूह की ताकत से बोलता है परमेश्वर। ओ हर गलत कड़ को प्रभु रवारी रवासा, चाहे हमारे परिवारों में हो, कलीसिया में हो, जो लोग मुझे देख रहे हैं, बिजनेस में हो प्रभु, काम में हो प्रभु, पैसे में हो प्रभु, रिलेशनशिप में हो प्रभु, हर गलत गढ़ को मैं एक ऐसे नाम में तोड़ूंगा, एक ऐसे नाम में तोड़ूंगा कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हर घुटना झुकता है, हर जुबा कहती है, इस नाम को मैं लूंगा, गढ़ को तोड़ूंगा मैं, शारीरिक ताकत से नहीं तोड़ूंगा, आत्मिक ताकत से तोड़ूंगा मैं इसको, पावर ऑफ लव के हर फैमिली के ऊपर, हर इंसान के ऊपर, हर बिजनेस के ऊपर, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे चर्चेस मुझे देख रहे हैं, हर गलत गढ़ को मैं आज मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से, 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 यीशु मसीह के नाम से। Yeah.
निकालो, प्रार्थना करूंगा। जहां पे हैं आप अभिषेक रिसीव कीजिए। स्ट्रॉन्गहोल्ड्स टू बी ब्रोकन, स्ट्रॉन्गहोल्ड्स टू बी ब्रोकन। काम पे, बिजनेस पे, फैमिली पे, परिवार पे, कलीसिया पे, आपके शहर पे, आपके देश पे प्रभु तोड़ लेगा गलत स्ट्रॉन्गहोल्ड। गॉड विल ब्लेस इंडिया, गॉड इज ब्लेसिंग इंडिया। Receive as they receive, you receive wherever you are in the world. Ora vashestra vandara vasse kama shestra vandara vassa. Ready. Where are my helpers? Strongholds broken, chant generation the full. Jesus, every stronghold fire, holy God. जब तक अभिषेक रहता है, receive कीजिए उसको, receive कीजिए. She's being, yeah, Monica. Right now, all things of the enemy are broken in your life. Right now, yeah. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. हर गलत कड़ को तोड़ता हूं प्रभु, हर गलत कड़ को तोड़ता हूं प्रभु, हर गलत कड़ को तोड़ता हूं प्रभु, हर फायर फायर, हर गलत कड़ को खड़ा करो, हर गलत कड़ को तोड़, फायर, फिर से खड़ा करना एक बार और, जब तक रिसीव करते रहना, रिसीव करते रहना।